अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोडेनिक्स 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 7 में आज हम फिर ग्रामर के कुछ रूल्स जो हैं स्पीकिंग के लिए वो देखेंगे। तो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कौन से और रूल्स हैं। सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर में भी हम देख चुके हैं कि सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए वो हमने देख लिया और वर्ब देख लिया। फिर इसको एक क्विक रिकॉल करते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर आई होता है, प्लूरल वी होता है। सेकेंड पर्सन के लिए जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर के लिए नहीं होता जबकि प्लूरल के लिए होता है। और प्लूरल के लिए कौन सा होता है? प्लूरल के लिए यू जो है वो सब्जेक्ट होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर के लिए ही शी इट दिस दैट सिंगुलर नाउन्स और सिंगुलर प्रोनाउन्स होते हैं। और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल प्रोनाउन्स। इसी तरीके से जो वर्ब होते हैं वर्ब बी के लिए इज, एम, आर जो है वो प्रेजेंट में, वाज, वर, पास्ट में और फ्यूचर में विल बी होता है। डू का जो ऑक्सिलरी वर्ब है, अब ये बी, डू एंड हैव, दीज थ्री आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। लास्ट लेक्चर में हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट के लिए डू का जो वर्ब होगा वो डू डस, डिड होगा पास्ट के लिए और विल डू होगा फ्यूचर के लिए। हैव जो है इसका प्रेजेंट के लिए हैज हैव, पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए विल हैव यूज होगा। अब यहां पे देखने वाली बात ये है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा वर्ब यूज होगा ये हमने देखना है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट हमारा आई और वी है, अब हम ये देखते हैं कि इन सब्जेक्ट के लिए वर्ब कौन कौन सा यूज होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। प्रेजेंट में जो सिंगुलर के लिए यूज होगा आई के लिए वो एम यूज होगा, पास्ट के में से वाज और फ्यूचर में विल बी ही यूज होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का जो प्लूरल प्रोनाउन है उसके लिए बी में से वी आर यूज होगा प्रेजेंट के लिए, वर यूज होगा पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए एज इट इज विल बी यूज होगा। सेकेंड पर्सन का यू जो है उसके लिए जो प्रेजेंट के लिए यूज होगा वो आर यूज होगा, पास्ट में वर यूज होगा और फ्यूचर में विल बी यूज होगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है ही शी इट और दिस दैट सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन के लिए जो यूज होगा वो ही इज, शी इज, इट इज, दिस इज, दैट इज, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए इज ही यूज होगा। उसके अलावा पास्ट में हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन के लिए वाज यूज होगा और रेस्ट ऑल जो जितने भी बाकी हैं उनके लिए यहां पे आर यूज होगा और वर यूज होगा पास्ट में। इसके रेस्ट जो जितने भी सिंगुलर प्रोनाउन्स हैं और फ्यूचर में तो सभी के लिए विल बी ही यूज होगा। अब अगर हम प्लूरल प्रोनाउन्स की बात करें तो यहां पे दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन्स और प्लूरल प्रोनाउन्स जो हैं उनके लिए यहां पे आर यूज होगा प्रेजेंट में, पास्ट में यूज होगा वर और फ्यूचर में विल बी। इसी तरीके अब हम डू की बात करते हैं तो सिंगुलर जो हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए या थर्ड पर्सन के लिए जो सिंगुलर नाउन है उसमें सिंगुलर के लिए जो यूज होगा वो डज यूज होगा और बाकी तमाम के लिए डू यूज होगा। और पास्ट में हमारे पास सभी के लिए डिड ही यूज होगा और विल डू तमाम के तमाम जो सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन्स हैं उनके लिए यूज होगा। इसी तरीके से हैज हैव की बात करें या हैड या विल हैव की बात करें तो सिंगुलर जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं सिंगुलर प्रोनाउन्स में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर के लिए हमेशा हैज यूज होगा और रेस्ट ऑल जितने भी तमाम हमारे सब्जेक्ट्स पर जाते हैं उनके लिए हैव यूज होगा। हैड जो है वो सभी के साथ यूज होगा, विल हैव एज इट इज सभी के साथ यूज होगा। अब यहां पर सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन्स की बात करी जा रहे हैं, देखते हैं सिंगुलर और जो प्लूरल प्रोनाउन्स हैं वो कौन कौन से हैं। सिंगुलर प्रोनाउन्स में वन, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नथिंग, ये तमाम जो हैं प्रोनाउन्स हमारे सिंगुलर प्रोनाउन्स हैं। और प्लूरल प्रोनाउन्स कौन कौन से हैं, बोथ, फ्यू, सेवरल, अदर्स, ये तमाम जो हैं हमारे प्लूरल प्रोनाउन्स हैं। अब सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन्स जो हैं उनके अलावा कुछ ऐसे प्रोनाउन्स हैं जो हमारे सेम टाइम पे हम उसको एज ए सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं और एज ए अपना जो प्लूरल प्रोनाउन्स भी हम उनको यूज कर सकते हैं। उनमें आल, सम, मोर, नन, ये चार जो हैं हमारे ऐसे प्रोनाउन्स हैं जिनको हम एज ए सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं और एज ए प्लूरल प्रोनाउन्स भी यूज कर सकते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन है हमारे पास वन,
वन के दो सेंस में मीनिंग्स होते हैं, एक सिंगल किसी चीज को डिनोट करने के लिए और दूसरा जो होता है वो होता है हर कोई या हर किसी को डिनोट करने के लिए। अब यहां पे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वन इज हेयर एंड वन इज देयर। अब इसमें हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें पता लगता है कि इसमें बताया गया कि एक शख्स यहां पे है, एक शख्स वहां पे है। यहां पे जो मीनिंग आ रहा है वन का वो एक के बराबर आ रहा है, किसी एक चीज को डिनोट कर रहा है, किसी एक शख्स को डिनोट कर रहा है। वन स्टूडेंट इज स्टडिंग इन द रूम, एक स्टूडेंट या एक तालिबे इलम रूम में पढ़ाई कर रहा है। अब यहां पे इसमें भी सेंस जो है वो एक के नजरिए में ही है। वन शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, अब यहां पे अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो वन शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स में हमारे पास जो सेंस आ रहा है वन के मीनिंग का वो है हर किसी को, हर एक को। वन नीड्स लव मोर देन मनी, हर किसी शख्स को पैसे से ज्यादा मोहब्बत की जरूरत होती है। यहां पे वन का जो मतलब है, वन का जो मीनिंग है वो क्या है हमारे पास, हर एक। नेक्स्ट है हमारे पास ईच, ईच का मतलब है हर एक। ईच बॉय इज माई फ्रेंड हियर, हर कोई मेरा दोस्त है। ईच बिस्किट हैज चॉकलेट, हर बिस्किट में चॉकलेट है। और एवरी है हमारे पास, इसका भी मतलब होता है हर एक। एवरी बॉय इज माई फ्रेंड हियर, हर लड़का यहां पे मेरा दोस्त है। एवरी बिस्किट हैज चॉकलेट, हर बिस्किट में चॉकलेट है। अब यहां पे फर्स्ट टू सेंटेंसेस और सेकंड टू सेंटेंसेस में जस्ट ईच और एवरी का फर्क है, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, ये क्यों है क्वेश्चन यहां पे ये है। ईच और एवरी का मीनिंग जो है वो सेम है बट यूज है वो डिफरेंट जगह पे होता है। ईच को यूज करते हैं जब हमने जस्ट दो लोगों के बारे में डिस्कस करना हो कि ये जो दो लोग हैं इनका मेरे साथ क्या रिलेशन है या मैं इनके साथ क्या रिलेट कर रहा हूं। अगर हमने दो लोगों को डिनोट करना है किसी भी सेंटेंस में तो उसके लिए हम यूज करेंगे ईच। अगर हमने दो से ज्यादा लोगों को डिस्कस करना है, दो से ज्यादा लोगों को डिनोट करना है, दो से ज्यादा लोगों के लिए हमने कोई चीज को किसी बात को रिलेट करना है तो उनके लिए यूज होगा एवरी। मतलब सिंपल है, सेंटेंस में यूज सिंपल है, दो लोगों को डिनोट करना है तो ईच यूज होगा, अगर दो लोगों से ज्यादा को डिनोट करना है तो वहां पे एवरी यूज होगा। एवरीवन और एवरीबॉडी, इसका मतलब भी हर कोई होता है। एवरीवन इज स्टडिंग इन द क्लासरूम, हर कोई क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा है। एवरीवन वाज प्लेइंग गेम, हर कोई गेम खेल रहा है। उसके बाद है एवरीथिंग, हर चीज। एवरीथिंग हेयर इज ब्यूटिफुल, यहां पे हर चीज जो है वो खूबसूरत है। यू हाइड एवरीथिंग दैट इज लवली, तुम हर वो चीज को छुपा रहे हो जो खूबसूरत है या जो प्यारी है। अब यहां पे एवरीवन कहां यूज हुआ है, जब हम किसी शख्स की बात करेंगे, किसी भी पर्सन की बात करेंगे उसके लिए हम एवरीवन या एवरीबॉडी यूज करेंगे। जब हम किसी चीज की बात करेंगे तो उसके लिए हम एवरीथिंग यूज करेंगे, ये है इन दोनों का डिफरेंस। समवन और समबडी, इसका मतलब होता है कोई शख्स। समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। आई हैव समवन हु हेल्प्स यू, मेरे पास कोई है जो आपकी मदद कर देगा। नेक्स्ट है एनीवन एंड एनीबडी, इसका मतलब भी कोई होता है, कोई शख्स ही होता है। इज एनीवन एट द डोर, आई डोंट हैव एनीवन हु हेल्प्स यू, क्या कोई दरवाजे पर है, मेरे पास कोई नहीं है जो आपकी मदद कर दे। समवन समबडी और एनीवन और एनीबडी में क्या फर्क है, जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब आप समवन समबडी या एनीवन और एनीबडी में से किसी भी वर्ड को यूज करना चाहेंगे तो वहां पे आप जस्ट समवन या समबडी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपने नेगेटिव या इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में आपने लिखना है तो आप वहां पे समवन या समबडी की जगह पे एनीवन या एनीबडी लिखेंगे, वहां पे आप समवन या समबडी नहीं लिखेंगे। ये है इन समवन समबडी और एनीवन और एनीबडी का डिफरेंस। समथिंग, कुछ। समथिंग इज मिसिंग हियर, कुछ यहां पे मौजूद नहीं है या यहां से गायब है। आई हैव समथिंग टू ड्रिंक, मेरे पास पीने के लिए कुछ चीज मौजूद है। एनीथिंग, इज एनीथिंग मिसिंग हियर, क्या यहां से कुछ गायब हुआ है। I don't have anything to drink, मेरे पास कुछ नहीं है खाने को। यहां पे भी वही डिफरेंस है जो डिफरेंस पहले, someone, somebody,
और एनीवन और एनीबॉडी का डिफरेंस था। इसी तरीके से समथिंग और एनीथिंग का है। जब आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए समथिंग और एनीथिंग के में से वर्ड को यूज करना है तो आप समथिंग को यूज करेंगे। जब आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज करना है तो समथिंग और एनीथिंग में से आप समथिंग को यूज करेंगे। और अगर आपने एनीथिंग और समथिंग को नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज करना है तो आप एनीथिंग को यूज करेंगे। ये है इन दोनों का यूज का डिफरेंस, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो सेम है। नथिंग, कुछ नहीं। नथिंग इज इंटरेस्टिंग हियर, आई हैव नथिंग टू ईट। इसका सिंपल है कि आप यहां पे नथिंग को यूज करेंगे जब आपके पास कोई चीज मौजूद नहीं होगी। अगर मैं इसको लिख दूं आई हैव समथिंग नॉट टू ईट, तो ये आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होगी थोड़ी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगी और इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखने में इजी एक प्रॉपर या एक्यूरेट नहीं लग रही होगी। तो आप क्या करेंगे, आप समथिंग नॉट की जगह पे आप लिखेंगे नथिंग, सिंपल इज दैट। इसके बाद है जी प्लूरल प्रोनाउंस। प्लूरल प्रोनाउंस कौन से हैं? बोथ, बोथ हैव ट्वाइस, दोनों के पास ट्वाइस हैं। अब दोनों कौन हैं? जिनको आप काउंट कर रहे हैं, दो लोग हैं। बोथ आर माई टीचर, अगर दो लोग बैठे हैं और आप उन किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हैं कि वो जो दो लोग हैं वो मेरे उसातिज़ा हैं, तो वहां पे बोथ यूज होगा। फ्यू, कुछ। फ्यू तब यूज होगा जब आपकी कोई चीज जो है वो काउंटेबल है। फ्यू आर वेटिंग फॉर द बस, जब मतलब कुछ लोग जिनको आप काउंट कर सकते हो तो उनके लिए आप फ्यू यूज करेंगे, जैसे कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। फ्यू बॉयज वर वॉकिंग इन द पार्क, एक पार्क में कुछ लोग चल रहे हैं तो आप उनको काउंट कर सकते हैं। इट मींस के यू हैव टू यूज फ्यू। फ्यू बॉयज वर वॉकिंग इन द पार्क, पार्क में कुछ लोग सैर कर रहे थे। मैनी, कई। Many are waiting for trains. अब countable हैं लेकिन बहुत ज्यादा हैं। Few मतलब कुछ लोग हैं जिनको आप easily count कर सकते हैं। Many मतलब count कर सकते हैं but ज्यादा हैं। Few से ज्यादा, तो वहां पे आप many use करते हैं। मतलब many are waiting for train, बहुत से लोग train के लिए इंतजार कर रहे हैं। कई लोग train के लिए इंतजार कर रहे हैं। Many boys were walking in the park, कई लोग park में सैर कर रहे थे। Others, अदर्स होते हैं दूसरे लोग, अदर देन यू, बाकी लोग या दूसरे लोग। अदर्स हैव नो आइडिया अबाउट दिस मैटर, दूसरों को इस मैटर के बारे में कोई आइडिया नहीं या इस काम के बारे में कोई आइडिया नहीं। ही इज सेइंग यस, अदर्स आर सेइंग नो। वो सिर्फ एक, ही सिंगुलर प्रोनाउन है उसके लिए यूज हो रहा है यहां पे इज। ही इज सेइंग यस, वो सिर्फ अकेला कह रहा है यस, हाँ। Others are saying no, बाकी तमाम। अब यहां पे others है, ये plural pronoun है, इसलिए इसके साथ जो are है वो verb use हुआ है plural pronoun वाला। Others are saying no, बाकी जो है वो कह रहे हैं no, नहीं। अब यहां पे एक आपको याद रखने का easy method बताया है कि आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। कि ये आपने अगर मैथ पढ़ी है तो मैथ वालों को पता होगा कि ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन है, जहां पे इसका जो ये हेड साइड है वो ओपन होती है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, और जहां पे हेड साइड ये होती है टेल साइड इसको हम बोलते हैं स्मॉलर देन। फ्यू इज स्मॉलर देन सेवरल, सेवरल इज स्मॉलर देन मैनी, मैनी इज स्मॉलर देन न्यूमरस। मतलब फ्यू कुछ, सेवरल फ्यू से ज्यादा बट मैनी से कम। मैनी सेवरल और फ्यू से ज्यादा बट न्यूमरस से कम, न्यूमरस अ लॉट ऑफ। अब यहां पे हमने इन वर्ड्स को यूज करके हमने ये जो डिफरेंट टू सेंटेंसेस हैं इन दोनों की सेंस को हमने समझना है। आई हैव विजिटेड फ्यू सिटीज इन माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ शहर फिरे हैं या कुछ शहर में अपनी जिंदगी में घूमा हूं, तो फ्यू से हमें पता लगेगा हाँ दो चार सिटीज होंगे। सेवरल अगर हम यहां पे यूज करेंगे, आई हैव विजिटेड सेवरल सिटीज इन माई लाइफ, कुछ से ज्यादा ही मतलब 8, 10, 12, 15 सिटीज आप घूमे होंगे। अगर मैनी यहां पे यूज करें इट मींस कि आपने कोई 20-25 शहर घूमे। न्यूमरस आ गया मतलब अनकाउंटेबल, अब ये काउंट नहीं उसने किया मतलब काफी सिटीज जो है वो घूम चुका है। डैश पीपल अटेंडेड माई ब्रदर्स वेडिंग, फ्यू पीपल अटेंडेड माई ब्रदर्स वेडिंग, चंद लोगों ने मेरे भाई की शादी अटेंड की। सेवरल अगर यूज करूं तो सेवरल पीपल मतलब चंद लोगों से ज्यादा, मैनी पीपल मतलब सेवरल और फ्यू से ज्यादा, न्यूमरस मतलब काफी ज्यादा लोगों ने मेरे भाई की शादी अटेंड की।
अब कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं कि जिनको हम सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं और हम उनको प्लूरल प्रोनाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। उनमें है ऑल, आप ये भी कह सकते हैं ऑल इज वेल, सब ठीक है, ऑल आर वेल, सब ठीक हैं, ऑल इज माइन ओनली, सब कुछ मेरा है, ऑल आर वेटिंग फॉर यू, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मेरे सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेशन को सुन रहे हो गौर से, तो इससे आपको यह पता लगेगा कि यहां पे इज के साथ यूज हो रहा है, आर के साथ यूज हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां पे ये यूज हुआ है एज अ सिंगुलर प्रोनाउन, यहां पे यूज हुआ है एज अ प्लूरल प्रोनाउन। इसका मतलब कि आर को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। नन, कुछ नहीं, नन इज वेल, कुछ बेहतर नहीं है, यहां पे है सिंगुलर। नन इज सिटिंग देयर, वहां पे कोई नहीं बैठा है, नन आर सिटिंग देयर, वहां पे कोई नहीं बैठे हैं, इज आर, दोनों सेंसेस करेक्ट हैं। इट मींस नन को आप सिंगुलर भी और प्लूरल प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। नन इज वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा है, नन आर वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतजार नहीं कर रहे हैं, यहां पे एज अ सिंगुलर प्रोनाउन, यहां पे एज अ प्लूरल प्रोनाउन। नन को भी आप बोथ सेंसेस में यूज कर सकते हैं। सम, कुछ, सम पीपल आर कमिंग, कुछ लोग आ रहे हैं, सम वाटर इज रिक्वायर्ड, कुछ पानी दरकार है। अब यहां पे देखें, सम पीपल, पीपल जो है ये इसकी सेंस आती है एक से ज्यादा लोगों में, जब एक से ज्यादा होंगे इट मींस के प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए सम यहां पे प्लूरल प्रोनाउन का मीनिंग दे रहा है, इसलिए यहां पे आर यूज हुआ है वर्ब का, प्रेजेंट वाले जो वर्ब्स हैं उनमें। सम वाटर इज रिक्वायर्ड, वाटर जो है वो काउंटेबल नहीं है, इसलिए उसको हम सिंगुलर की सेंस में लेते हैं, और जब सिंगुलर का जो सेंस आएगा यहां पे हमारे पास, तो उसके लिए जो वर्ब यूज होगा वो इज यूज होगा। सम वाटर इज रिक्वायर्ड, थोड़ा पानी चाहिए या थोड़ा पानी दरकार है। मोर, ज्यादा, मोर पीपल आर कमिंग, ज्यादा लोग आ रहे हैं, मतलब यहां पे वो ज्यादा की सेंस में आए, तो ज्यादा प्लूरल प्रोनाउन है। मोर वाटर इज रिक्वायर्ड, पानी जितना मर्जी हो, लेकिन उसको हम एज अ सिंगुलर सेंस ही यूज करते हैं, तो सिंगुलर सेंस में हमारे पास यहां पे क्या यूज होगा, इज ही यूज होगा। ये थे वो तमाम के तमाम सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन और कुछ ऐसे प्रोनाउन जिनको हम एज अ सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस भी यूज कर सकते हैं। प्रोनाउंस का जो लेक्चर है इसको ध्यान से नोट करें और इसको रिमेंबर करके रिकॉल करते हुए इसको अपनी डेली रूटीन में यूज करें, ताकि आप लोग खुद ब खुद अपनी स्पीकिंग की स्किल को इनहेंस होता हुआ फील करें। अगर आप इस तरीके की और मजीद वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, तो काइंडली डू सब्सक्राइब माई कोडेनिक्स यूट्यूब चैनल, लाइक एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।